अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एज एकेडमी। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको 10th क्लास फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इसके बारे में बताऊंगा। जो बोर्ड एग्जाम पेपर होता है स्टूडेंट्स 10th क्लास फिजिक्स का, इसमें 3 to 4 न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 3 आएंगे और मैक्सिमम 4 आते हैं। और जो न्यूमेरिकल आते हैं स्टूडेंट्स ये इतने लेंथी नहीं आते, ई टू द पॉइंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, शॉर्ट शॉर्ट आते हैं, सही है स्टूडेंट्स। अब एक न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है अक्सर, और जो 3 न्यूमेरिकल्स है या 2 ये लॉन्ग क्वेश्चंस के एक एक पार्ट में आते हैं, सही है। सो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल 10th क्लास फिजिक्स में जो है स्टूडेंट्स, इसके जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है इसके एग्जांपल्स में और अक्सर एग्जांपल्स आते हैं, सही है स्टूडेंट्स। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये अक्सर एग्जांपल्स से आते हैं। फर्स्ट नंबर चैप्टर 10th क्लास फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें से वो है एग्जाम्पल 10.1, ये वाला, ठीक है। इसको आपने अपने साथ नोट करना है। 10.3, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, ये अपने साथ नोट करें। 10.5, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको अपने पेपर के लिए अपने साथ नोट करना है। एंड 10.6, ये वाला, सही है। सो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो गए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के लिए, 10.1, 10.3, 10.5 एंड 10.6। अब इसके जो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, तो इसके एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट इसमें है फर्स्ट, सेकंड, फोर एंड सिक्स नंबर, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, फोर एंड सिक्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में कौन से हो गया, 10.1, 10.3, 10.5, 10.6 और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में 1, 2, 4 एंड 6 नंबर। अब सेकंड नंबर चैप्टर की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इसमें है एग्जांपल 11.1, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एग्जांपल 11.1 एंड 11.3, ये वाला, ठीक है। इसमें सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है पेपर के लिए, इसको आपने नोट करना है, ठीक है। और इसके जो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इसमें है एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसमें है 5 नंबर एंड 7 नंबर। चैप्टर नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इसमें है स्टूडेंट्स कौन से, 12.3, एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है विच इज 12.3, 12.1, ये वाला, सही है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अपने साथ नोट करना है स्टूडेंट्स, 12.3। और इसके एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें सिर्फ ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सरसाइज में है स्टूडेंट्स कौन सा, 3rd नंबर, ये वाला है 3rd नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 7th नंबर एंड 8th नंबर। सो ये इंपॉर्टेंट हो गए चैप्टर नंबर 3 से, एग्जांपल सिर्फ 12.3 एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में जो इंपॉर्टेंट है इसमें है 3rd नंबर एंड 7th और 8th नंबर, सही है। चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 13 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसमें है स्टूडेंट्स कौन से, एग्जाम्पल नंबर 13.2, ठीक है, ये वन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सही है स्टूडेंट्स, 13.2, 13.3, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, 13.4 भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, सही है। सो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए। और इसके एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इसमें है एक्सरसाइज में है न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है। सो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जिसमें है एग्जांपल 13.2, 13.3, 13.4 और एक्सरसाइज में ये 5 नंबर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इसमें है स्टूडेंट्स एग्जांपल 14.1, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, 14.2 भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 14.3 भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये शॉर्ट शॉर्ट न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट्स, इसको आपने नोट करने हैं। और 14.4 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, इसको आपने
याद करना है। 14.6 भी इंपॉर्टेंट है, 5 नहीं 6। ये वाला सही है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है न्यूमेरिकल के लिए। 14.6 और 14.7 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने नोट करना है। और इसके एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इसमें है ये वाला फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो गए करंट इलेक्ट्रिसिटी से, एग्जांपल 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 एंड 14.7 और एक्सरसाइज में 1, 2 एंड 3। अब इस चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इसमें है एग्जांपल रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इसको तो आपने ज़रूर, ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और इसके जो न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, इसको भी आपने कवर करना है। इस चैप्टर में जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है एग्जाम्पल 15.2 और दूसरा है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड 15.3। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए। और इसके एक्सरसाइज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है 5, 6 और 7। सो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट्स, इसको आपने ज़रूर याद करना है, ये ज़रूर आते हैं। सही स्टूडेंट्स, सो ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो गए 10th क्लास फिजिक्स के।